एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारा नया एक सीरीज़ है बायोलॉजी का, ठीक है। हम बायोलॉजी का क्रैश को स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और इसमें टोटल 13 वीडियोस होंगी, ठीक है। आज ही हमारी पहली वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और साथ ही साथ सेल के बारे में कि सेल क्या होते हैं, क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और कितने प्रकार के कौन कौन से सेल हैं जो हमारी बॉडी या प्लांट्स में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, और वो क्या काम करते हैं ये भी देखेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, जैसे आपको दिख रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है या फिर साइंटिफिक तरीका है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, नेम रखते हैं या फिर ग्रुप बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। दूसरा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस थी, ठीक है, और वो जो प्रोसेस है वो जिस ब्रांच की आप जिस बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर आती है, ठीक है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं और सिस्टमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी एज द नेम इंडिकेट डील्स विद द डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है, ये नेम इंडिकेट करती है और डील करती है जितने भी उसको डिस्क्राइब करने के लिए और उसका नेम रखने के लिए, ठीक है। और सिस्टमेटिक्स क्या करता है, देखिए, सिस्टमेटिक्स डील विद द ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग द डिस्क्राइब्ड टैक्सा इनटू द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए, अब उसने नाम रख दिया टैक्सोनॉमी में, आपने जाके उसका नाम रख दिया, ठीक है, पर अब उसको ग्रुप में अरेंज करना या फिर उसके नाम के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करना वो कौन करता है, वो करता है आपका सिस्टमेटिक्स जो से हायरार्किकली क्लासिफिकेशन करता है उसका। उसके बाद है आपका एडवांटेज है हमारे कुछ क्लासिफिकेशन के, तो क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस देम इन पर्टिकुलर ग्रुप्स, देखिए क्लासिफिकेशन क्या करता है, उसका नाम रख दिया टैक्सोनॉमी से हमने, फिर क्या करेगा वो उसको आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, हमें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे हम प्लेस कर सकते हैं पर्टिकुलर ग्रुप्स में, ठीक है, ये उसका एक एडवांटेज है। दूसरा है आपका, इट हेल्प अस टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म मोर ईजिली एंड सिस्टमेटिकली, ठीक है, हम उसे आराम से स्टडी कर सकते हैं, ईजिली स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को और उसे सिस्टमेटिकली हम उसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और देखिए, अब जब दो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम हो गए टैक्सोनॉमी के थ्रू, तो हम उसे आपस में ईजिली रिलेशनशिप बना सकते हैं कि उनका एक दूसरे में क्या रिलेशनशिप है। दूसरा हमारा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द मेम्बर ऑफ अ ग्रुप कैन बी स्टडीड बाय स्टडीड, दो बार लिख दिया सॉरी, ठीक है, एक बार आएगा, ये नहीं आएगा और ठीक है, ये नहीं आएंगे दोनों, ठीक है। स्टडी बाय स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यू मेम्बर्स ओनली, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि देखिए, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी उस ग्रुप के मेम्बर की, हम उसको स्टडी कर सकते हैं, सारे ग्रुप को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कुछ अगर मेम्बर्स को स्टडी कर लेते हैं तो हमें पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग जाती है, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर रखा है। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन क्या करता है कि हमने जब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया होगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म बनाया होगा, जब वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें उसे ईजिली स्टडी करने में हेल्प मिलेगी क्लासिफिकेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, दो सिस्टम होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, एक नेचुरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम मैनुअली उसको सिंपल या कॉम्प्लेक्स में बदलने की कोशिश करते हैं या फिर उसका नाम रखने की कोशिश करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैन मेड होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं, वो नेचुरली नहीं होती हैं। नेचुरल सिस्टम वो होता है जब वो नेचुरली बनकर आता है और उसका नाम हम उसके नेचुरल कैटेगरीज कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम रखते हैं, ठीक है। अरे, और उसके बाद है आपका द फाइव किंगडम सिस्टम। देखिए, फाइव किंगडम सिस्टम क्या कहता है आपका, ये क्लासिफिकेशन है पांच चीज़ों का। देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटू और एनिमिलिया, ठीक है, ये पांच चीज़ें हैं जिनको एक क्लासिफिकेशन करता है फाइव किंगडम सिस्टम। पर ये किस बेस्ड पे
क्लासिफिकेशन करता है, देखिए ये तीन चीज़ों पे क्लासिफिकेशन करता है, पहला तो इसका सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, और तीसरा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इन तीन चीज़ों पर वो क्लासिफिकेशन बेस्ड रहता है। अब देखिए मोनेरा आपका क्या है, अगर मोनेरा की हम बात करें, देखिए मोनेरा को हम इजीली आपको सिंपल भाषा में आप समझेंगे, पहले तो ये समझ लीजिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, क्या कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, नहीं तो अगर इसे इंग्लिश में आपको डेफिनेशन में आप बोल के बताऊँ, द किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स डू नॉट कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, द न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए इज प्रेजेंट इन द सेल विदाउट बीइंग इनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि देखिए कितने डीएनए भी कह सकते हैं, बहुत छोटा होता है ये, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका मोनेरा होता है, और एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, और कुछ फीचर्स हैं इसके, पहला तो ये बहुत छोटा होता है, ऐसे माइक्रोस्कोपिक ये सेल होते हैं, इनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, दूसरा ये सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन ही नहीं करते, इनको होता ही नहीं इनमें ऑर्गेनल्स, ठीक है, तीसरा ये कि एक रिजिड बॉडी सेल होता है, ठीक है, रिजिड बॉडी सेल होता है। अब उसके बाद आता है हमारा प्रोटिस्टा, ठीक है, देखिए प्रोटिस्टा क्या कह रहा है आपका, प्रोटिस्टा कह रहा है कि दिस किंगडम इंक्लूड्स बोथ यूनिसेलुलर प्लांट, ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर प्लांट है, ठीक है, और एनिमल्स भी है, ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी एक में पाया जाएगा, दे शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरी ये यूरोक्रोटिक होता है, ठीक है, ये यूरोक्रोटिक होता है, अब देखिए यूरोक्रोटिक क्या होते हैं आपके, ठीक है, तो देखिए यूकैरियोटिक क्या होता है आपका, यूकैरियोटिक का मतलब है कि देखिए उसमें डीएनए होता है जो प्रोटीन और क्रोमोसोम से आपसे घिरा होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये नहीं होते हैं, ठीक है, और आपके इसके सारे सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा में आपके सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अब देखिए आपका फंगी, फंगी क्या कह रहा है आपका, देखिए फंगी जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें माउल्स और मशरूम्स जो होते हैं वो एक फंगी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि मोस्टली मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये आपका मल्टी सेलुलर है, और दूसरा ये एक हेटरोट्रोप्स भी है, ठीक है, ये खुद का फूड नहीं बनाते हैं, ठीक है, दूसरों से फूड लेते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ थ्रेड लाइक, ठीक है, और ज़्यादातर ये एक थ्रेड की तरह होते हैं, ठीक है, ये इनकी शेप की बात कर रहे हैं। अब आता है आपका प्लांटी, ठीक है, प्लांटी क्या कह रहे हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड्स रेड ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्रोफाइट्स, पेट्रियोडायस, ठीक है, गिम्नोस्पर्म्स, ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं या सब्सटेंस हैं जो इसमें इस ग्रुप में प्लांटी में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, देखिए ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी, प्लस इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है, और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये खुद अपना फूड बना सकते हैं, देखिए प्लांटी अपना खुद फूड बनाते हैं और फंगी अपना खुद फूड नहीं बनाते हैं, ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये फंगी है आपका, ये प्लांटी है आपका, तो ये खुद अपना फूड बनाते हैं और ये नहीं बनाते हैं, ठीक है। और आपका देखिए एनिमलिया हो चुका है, प्रोटिस्टिया हो चुका है, अब आपका रह गया सिर्फ ये मतलब ये मोनेरा है सॉरी ये, और एनिमलिया ये रहा, ठीक है। अब एनिमलिया क्या है, देखिए आपका अगर एनिमलिया की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स भी आपके इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, एनिमलिया के अंदर ही आपका ह्यूमन बीइंग्स भी आता है, और ये जो होते हैं ना ये सेल ये विदाउट वॉल के होते हैं, इनमें क्लोरोफाइल नहीं होता है, ठीक है, और ये एक हेटरोट्रोप्स होते हैं, मतलब खुद फूड नहीं बनाते, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हम खुद फूड नहीं बनाते, हमें प्लांट से या हम किसी और लोगों से फूड लेते हैं। उसके बाद आता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए अगर नेमिंग की बात करें तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए जब तक हम ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं रखेंगे तब तक हम उसे क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंटिंग इट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल्स, तो देखिए ये हेल्प क्या करता है, ये नेमिंग जो हमारी हेल्प करती है कि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरे से अलग कर सकते हैं, जैसे हम इंसान हैं हमारे अलग अलग नाम होते हैं तो वो हमें आइडेंटिफाई करने के काम आता है, ठीक है। कैरोलस लिनियस गेव द करंट सिस्टम ऑफ नेमिंग, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट सिस्टम जो हमारा नेमिंग का वो दिया था। दिस सिस्टम इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है या तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं, ठीक है। और कैरोलस लिनियस जो हैं वो हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये सिस्टम दिया था तो ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। उसके बाद आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपका क्या होता है,
नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना हमारा नोमेनक्लेचर कहलाता है। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स इन लैटिन, ठीक है, जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये लैटिन वर्ड्स पे आधारित रहता है, ठीक है, उसकी जो भी नाम रखे जाते हैं वो दो वर्ड्स होते हैं, पहला और दूसरा, दोनों आपके लैटिन वर्ड होते हैं और उनकी देखिए दोनों वर्ड की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर पहले वर्ड की बात करें तो वो आपका जेनरिक नेम होता है, ठीक है, वो उसके जीनस पे बेस्ड होता है। दूसरा जो है वो आपका स्पीसीज नेम होता है और उसके स्पीसीज पे ही नाम पे बेस्ड करता है। जैसे देखिए अगर वीट की बात करूँ तो वीट में देखिए ये दो वर्ड हैं आपका ट्रिट्रिसियम एस्टिवम, ठीक है, ये नाम है इसका। अगर पी की बात करें आपकी, देखिए इसका नाम है पीसम सेटवियम, ठीक है। टाइगर की बात करें तो पैंथेरा टिग्रेस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रेस। और फ्रॉग की बात करें तो राना टिग्रिना, ठीक है, ये इनके नाम है लैटिन में जो रखे जाते हैं, पहला वर्ड उसका जेनरिक नेम होता है और दूसरा उसका स्पीसीज नेम होता है, ठीक है। ये एग्जांपल थे इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। उसके बाद आता है आपका देखिए द सेल। अगर सेल की बात करें तो ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, तो ठीक है सबसे छोटी यूनिट क्या है लाइफ की, सेल। ये सेल का जो वर्ड था ये पहली बार कौन लाया था, ये लाया था रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है। साइटोलॉजी क्या है, देखिए साइटोलॉजी वो ब्रांच है स्टडी की जहाँ पर हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, वो आपकी साइटोलॉजी कहलाती है। लार्जेस्ट सेल क्या है, हमारा लार्जेस्ट सेल जो है वो हमारा ऑस्ट्रिच का जो होता है अंडा होता है, वो कहें तो शुतुरमुर्ग का अंडा हमारा लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हमारा, देखिए प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे, ठीक है। तो जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो एक फिजिकल बेसिस है लाइफ का, तो मतलब जो सबसे छोटा सेल था जिसमें लाइफ पाई गई वो था आपका प्रोटोप्लाज्म, और ये डिस्कवर किया था पुरकिंजे ने, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, द लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल, सेल के अंदर जो लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे ही सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं, ये वो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सेल इंक्लूजन्स नॉन लिविंग सब्सटेंस जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, देखा ये न्यूक्लियस वो सेल है आपका जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, वो पार्ट है सेल का, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सीपीयू हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, ऐसे ये हमारा या हमारे शरीर में हमारा दिमाग होता है जो कंट्रोल करता है, ऐसे ये सेल का दिमाग है, आप ये कह लीजिए ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। उसके बाद है आपका सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ ए प्लांट सेल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, ये सेलुलोज से मिलकर बनती है ये जो सेल वॉल होती है, और ये मेनली जो प्लांट सेल होते हैं उनके चारों तरफ पाई जाती है, ह्यूमन बींग्स में ये नहीं होते है, ठीक है। अब आती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है और ये सेमी परमिएबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एक पावर हाउस ऑफ सेल होता है, मतलब जो सेल आपके रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये पावर देता है, उनको हेल्प करता है उनकी, तो इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो दीज आर आइदर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये या तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उससे जुड़े हुए होते हैं या फिर ये फ्रीली स्कैटर्ड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ये राइबोसोम्स होते हैं। गोल्गी बॉडीज़ क्या होती हैं, देखिए ये एक सैक लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एक वीसल्स में प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, और इनको जो प्लांट सेल के अंदर है, देखिए एनिमल सेल के अंदर तो गोल्गी बॉडीज़ हो गई हैं, ठीक है, और वीसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर एनिमल सेल की बात करें तो इनको डिक्टोसोम भी कहा जाता है, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ को ही प्लांट सेल के अंदर डिक्टोसोम कहा जाता है। अब देखिए लाइसोसोम्स क्या है, ये आपके सुसाइडल बैग्स होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो सुसाइडल बैग हैं वो क्या है, वो तो लाइसोसोम्स होते हैं। पावर हाउस क्या है आपका, वो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ठीक है। सेल वॉल आपका किस में पाया जाता है, वो प्लांट में पाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग का काम क्या है, देखिए ये सुसाइडल बैग क्या काम करता है, ये जितने भी वॉर्न होते हैं आपकी सेल के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करता है, कैसे, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लाइसोसोम, जिससे सारे वॉर्म डिलीट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, कभी कभार ये एंजाइम प्रोड्यूस करने में खुद भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग्स कहते हैं। अब उसके बाद आता है आपका सेंट्रोमोसोम्स, ठीक है, सेंट्रोमोसोम्स क्या आपका, ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है, ये जो सेल का डिवीज़न होता है, सेल को बांटने में जो हेल्प चाहिए होती है वो सेंट्रोमोसोम्स काम करता है, ठीक है, तो दैट हेल्प्स टू इनिशिएट सेल डिवीज़न इन एनिमल सेल। उसके बाद आता है आपका प्लास्टिस, देखिए प्लास्टिस आपके तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है।
क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंटेन क्या करता है वो, क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये कलर पिगमेंट होता है, सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है, सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता है, बाकी सारे कलर होते हैं, तो ये कलर पिगमेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये कलरलेस प्लास्टिक्स को रखता है अपने अंदर, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या कर रहा है आपका, ये एक्ट एज ए बैरियर की तरह काम करता है किसी भी हेरिडिटी यूनिट्स के अंदर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म द सम ऑफ टोटल ऑफ द केमिकल एक्टिविटीज इन सेल कंटेंस टू पार्ट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म वो होता है जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उन दोनों का सम मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब वो कौन सी दो होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये दो प्रोसेस हैं जिनको उन दोनों को मिलाकर आपका मेटाबॉलिज्म बनता है, ठीक है। अब एनाबॉलिज्म क्या, देखिए, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट मीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड आर सिंपल कंपाउंड, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कोई दो सिंपल कंपाउंड से मिलकर बनता है, ठीक है, वो आपका एनाबॉलिज्म कहलाता है। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये आपका एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो टूट कर एक सिंपल कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, ये आपका कैटाबॉलिज्म होता है। और इन्हीं दोनों को प्रोसेस को मिला के आपका मेटाबॉलिज्म बनता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा एक सेल, सेल के अंदर सिर्फ उसकी कुछ फैक्ट्स थे जो जानने ज़रूरी थे, यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सेल में पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।